मुस्लिम शरीफ में हदीस है 246 किताबुल ईमान चैप्टर में कि बंदे के कुफर और शिर्क के दरमियान फर्क की नमाज है। तो गोरा चूंकि मुसलमान होता है ना, तो उसको पता होता है कि नमाज पढ़े बगैर बंदा मुसलमान नहीं रहता। प्लास्टिक कार्ड वाला तो मुसलमान रहता है, ये तो लग पता जाएगा ना। मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है बागियों को नमाजी बनाने वाली वीडियो, वो देखें तो पता चले कि नमाज क्या चीज है। वो कहता मैं परेशान हो गया कि मैं तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मुसलमान तो नहीं हूं, तो मेरे शनाख्ती कार्ड से तो इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा अगर मैंने फितर की नमाज ना पढ़ी। ये मैं बता दूं, तो कहता मैंने 3 घड़ियां खरीदी, यानी नमाज का टाइम है ना अगर 5 बजे, तो कहता मैंने 1 घड़ी पे अलार्म लगाया हुआ था 4:30 बजे का, और वो घड़ी मैं अपने सराहने रखता था, दूसरी घड़ी पे अलार्म होता था 4:45 का, वो मेरे बिस्तरे से थोड़े दूर एक टेबल के ऊपर, और एक तीसरी घड़ी ली मैंने ऊंची आवाज वाली, वो पुराने जमाने वाली चाबी पूरे घर उठा देनी हो, वो मेरे को भी है। अब तो अल्लाह का शुक्र है यार, ये मोबाइल आने से ना मसले ही हल हो गए। ए मोबाइल मेरे को 76 मोबाइल, सादा मोबाइल है 1000 रुपए वाला, अल्लाह का फजल हाल तक नहीं लिया ना इस्तेमाल करना आता है। इसमें अब घड़ी का भी मसला हल हो गया है, अलार्म भी सब कुछ, नमाजों के अलार्म भी लग जाते हैं। तीसरी उसने घड़ी वो ली, और वो कहता है वो तीसरी घड़ी जो है ना मैंने वॉशरूम के दरवाजे के बाहर लटकाई हुई थी, पहली कहता बोली 4:30 बजे नींद में बंद कर दी, तो थोड़ी नींद टूटी ना, 15 मिनट बाद टेबल वाली बोलती थी, कहता मैं अब जरा वो लारम बोल रहा हो बंदे को तकलीफ, नींद तो नहीं आती, एक लारम बोल रहा हो या नींद नहीं आती, दूसरा अगर कोई पेशाब रोक के लेटा हो तो उसको भी नींद आती। तो वो कहता जी मैं उठ के टेबल तक गया, टेबल बंद कर, टेबल वाला अलार्म बंद करता था 4:45, फिर 5 बजे जब वो बड़ा अलार्म बोलता था ना वॉशरूम वाला, तो कहता मैं उठ के ना, अब 2 बार नींद टूटी हुई हो, तीसरी बार जाके जब मैं वहां पे वॉशरूम के दरवाजे पे पहुंचता तो मैं अलार्म बंद करता, तो मैं कहता बस ये दरवाजे ही खोल लेना, सामने बेसन है, वुजू करके नमाज पढ़ लेता, आहिस्ता आहिस्ता आदत डेवलप होगी।